हिमाचल में औद्योगिक पैकेज को लेकर भाजपा कांग्रेस को हमेशा घेरती आई है और चुनावों के दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि उद्योग हिमाचल से पलायन न करे, इसीलिए सत्ता में आते ही योजना बनाई जाएगी। इससे उद्योगपतियों को आशा थी कि शायद उन्हें कोई राहत मिलेगी, लेकिन ऐसी कोई आश्वासन फिलहाल उन्हें उद्योग मंत्री से नहीं मिला। लेकिन उद्योग मंत्री ने फार्मा उद्योगों को यह आश्वासन दे दिया है कि फार्मा उद्योगों की मांग को देखते हुए उन्हें एक जगह बसाने का विचार किया जा सकता है। उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगों को हमेशा ही विशेष पैकेज मिले, ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में उद्योगों को विशेष औद्योगिक पैकेज मिला था, तब हिमाचल में उद्योगों ने अपनी रुचि दिखाते हुए यहां अपने उद्योगों की स्थापना की थी, लेकिन उन्हें ये सुविधा हमेशा नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि हिमाचल में और उद्योग आए, इसके लिए हिमाचल सरकार केंद्र से मिलकर रोड मैप तैयार करने जा रही है। उद्योग मंत्री के इस बयान से उद्योगपतियों को थोड़ी हताशा हाथ लगी है। हालांकि भाजपा सरकार ने कुछ छूट उद्योगों को भी दी थी, लेकिन उद्योगपति उसे ना काफी मान रहे हैं। किसी भी उद्योग को खड़ा करने के लिए उसको इंसेंटिव दिया जाता है, ये कोई परमानेंट फिनोमिना नहीं है कि आप हर किसी को हर समय इंसेंटिव देते रहेंगे। उसकी एक अवधि होती है, उसकी एक सीमा होती है। नए यूनिट्स को लाने के लिए हम कुछ न कुछ प्रयास कर रहे हैं। अभी हम दिल्ली में जाएंगे, वहां पर इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन एक ध्यान में जे इस मानसिकता के साथ अगर उद्योग आएगा कि उसको हर समय ही सब्सिडी मिलती रहेगी, या जब तक वो उद्योग चलता है तब तक उसको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, मुझे लगता है ये गलत है। अगर वो सभी लोग एक कॉमन प्लेस पे कहीं पे लगाना चाहते हैं तो उनकी हम मदद करेंगे। अगर वो चाहते हैं कि हमें एक जगह कम्पैक्ट किया जाए और उनका उनकी मर्जी या तो एक तरीका यह है कि नया इंडस्ट्रियल यूनिट यहाँ कोई खुले, क्षेत्र बने, लेकिन मुझे नहीं लगता इस व्यवस्था के अंदर यहाँ कुछ होगा। लेकिन बहुत से ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जो डेवलप हो रहे हैं, आपके यहाँ मुझे पता चला कुछ डेवलप नहीं है, उनके ऊपर करेंगे। अगर वो वहाँ पर शिफ्ट होना चाहते हैं इकट्ठे करके लगा सकते हैं यूनिट, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्री जयराम ठाकुर जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मिलकर आए हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ वहाँ से हमें राहत मिलेगी, जिसके कारण से उद्योग यहाँ पे और डेवलप होगा, मेरी ऐसी आशा है।